बाउल चूड़ा लिया हुआ है, आधा कप मूंगफली है और आधा टेबल स्पून सरसों है और जीरा है। यहाँ पे हमने दो हरी मिर्ची ली हुई है और बटाटा बड़ा था इसलिए आधा लिया हुआ है, दो कांदा। पोहा को हम दो तीन पानी से धो लेंगे, धो के पानी अच्छे से निकाल के इसको रख देंगे। अब हम मूंगफली भुनेंगे। सेंगदाना को हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। ये हमारा सेंगदाना ब्राउन हो गया है, टेम्परेचर कम कर देंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल और डालेंगे हम, जीरा और सरसों को तेल में डाल देंगे। कांदा डालने के बाद हम दो दो मिनट के बाद हम जो हमने आलू काट लिया है इसको डाल देंगे। कांदा जो है ज़्यादा जले ना इसलिए आलू को भी हम साथ में डाल दिए हैं। आलू को पकने तक इसे हम पकाएंगे। आलू को चला करके इसको हम ढक देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम देखते रहेंगे ताकि हमारा जो आलू कांदा है नीचे पकड़े ना। यहाँ पे हम आलू को कट करेंगे। अगर हमारा आसानी से कट हो रहा है तो समझ लो आलू पक गया है। अभी आलू पका नहीं हुआ है मेरा, थोड़ी देर हम इसे और ढकेंगे। यहाँ पे आलू हमारा हो गया है, हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। देखिए आलू हो गया है, इसमें हम पोहा डालेंगे। मूंगफली और पोहा डाल के इसके ऊपर से हमने नमक लिया है, यहाँ पे हम डाल देंगे, अच्छे से हम चला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम कम फ्लेम पे दो मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा पोहा रेडी है।